हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आपका अपना दोस्त सचिन जी लेकर आता हूँ टेक्निकल वीडियोस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप कॉलर नेम अनाउंसर यूज कर सकते हो। और कॉलर नेम अनाउंसर ये आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा, इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन पूरा चेक करिए। और ये स्पेशल कॉलर नेम अनाउंसर है क्योंकि ये प्ले स्टोर पर आपको नहीं मिलने वाला है, इसको स्पेशली मॉडिफाई किया गया है। और ये लगभग सभी फोन में वर्क करता है। इसके कुछ स्पेशल फीचर्स भी हैं जो कि आप आगे वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, साथ साथ चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। Caller name announcer. यहाँ पर आपको क्लिक करना है caller name announcer, share. और इसके बाद में सबसे पहले आपको बटन मिलेगा शेयर। शेयर बटन के बाद में आपको मिलेगा more options button. more option, यहाँ पर आपको help, feedback, वो सब मिलेगा। आगे बढ़ेंगे call announcer, यहाँ पे सबसे पहले आपको मिलेगा SMS announcer. फिर SMS announcer, announce settings. और announce setting, flashlight alerts. और flashlight alerts. Manage contacts, quick setting, और फिर आगे इसकी कुछ setting. तो सबसे पहले हम चलते हैं call announcer. SM call announcer. यहाँ पर क्लिक करेंगे सबसे पहले. Call announcer. Navigate up button. अब आगे बढ़ेंगे. Call announcer. Enable or disable call announcer on. Switch. यहाँ पर आपको off मिलेगा, यहाँ पर आपको on करना है क्योंकि मैं पहले से use करता हूँ इसलिए on है। और जैसे यहाँ पर आप on करोगे तो आपको आपके फ़ोन की एक्सेस मांगेगा, कॉन्टैक्ट्स की एक्सेस मांगेगा और कॉल लॉग्स की एक्सेस मांगेगा। वो इसलिए क्योंकि इसको पता होना चाहिए कि आपके कौन से कॉन्टैक्ट्स आपके फ़ोन में है या नहीं है। अननोन नंबर कोई आएगा तो आपको ये अननोन नंबर बोलकर बताएगा, इसलिए इसको ये सारे कॉन्टैक्ट्स की परमिशन आपके चाहिए होती है। आगे बढ़ेंगे। इनिशियल टाइम डिले फॉर अनाउंस 2 सेकंड्स डिफॉल्ट। जैसे ये बोल रहा है इनिशियल टाइमिंग अनाउंस, इनिशियल टाइम डिले फॉर अनाउंस 2 सेकंड्स डिफॉल्ट। जैसे आपका कॉल आता है तो कॉल की जो रिंगटोन बजती है वो कितने देर के बाद में आपका ये कॉल का नाम अनाउंस करे, ये वाली सेटिंग होती है। तो यहाँ पर आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। अनाउंस रिपीट टाइम 4 टाइम्स डिफॉल्ट। अनाउंस रिपीट टाइम से आप समझ ही गए होंगे, 4 टाइम यहाँ पर बोल रहे हैं। यहाँ पर भी आप कस्टमाइज कर सकते हो, ये बाय डिफॉल्ट होता है 4 टाइम। यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बोलेगा अननोन नंबर इज कॉलिंग यू, तो ये कितनी बार बोले आपकी जब तक कॉल की रिंगटोन बजती रहती है तब तक, तो ये 4 टाइम यहाँ पर है। आप इसको 5-7 जितना भी आप चाहो यहाँ पर टाइप कर सकते हो। डिले बिटवीन अनाउंसमेंट 4 सेकंड्स डिफॉल्ट। डिले बिटवीन अनाउंसमेंट, यहाँ पर इसका मतलब होता है कि जैसे आपको ये बोले अननोन नंबर इज कॉलिंग यू, फिर 3-4 सेकंड बाद फिर बोले, फिर 4-5 सेकंड बाद फिर बोले, तो इस तरीके से आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हो। हर पर सेकंड पर भी बुला सकते हो और पर 4 सेकंड बाद भी बुला सकते हो। यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। डिले बिटवीन अनाउंसमेंट 4 सेकंड्स डिफॉल्ट। 4 सेकंड बाद में ये बोलता रहेगा, तो यहाँ पर ज्यादा कुछ चेंजेस करने की जरूरत है नहीं। आगे बढ़ेंगे। अनाउंस अननोन नंबर, अनाउंस द नंबर इवन इफ द नंबर नॉट इन द कांटेक्ट लिस्ट ऑन स्विच। यहाँ पर बोल रहा है कि अनाउंस अननोन नंबर, यदि आपके कॉन्टेक्ट नंबर में वो नंबर नहीं है तो क्या ये बोले, तो उस कंडीशन में ये बोलेगा अननोन नंबर इज कॉलिंग यू, जैसे आप ऑन और ऑफ कर सकते हो। यहाँ पर यदि आप ऑफ करोगे तो आगे जो ऑप्शन है वो यहाँ पर बोलेगा, जैसे स्पेसिफाई व्हाट अनाउंस फॉर अननोन नंबर, अननोन नंबर। यहाँ पर बोल रहा है कि क्या अननोन नंबर को आप क्या बुलवाना चाहोगे, जैसे अननोन नंबर को अननोन नंबर ही बुलवाना चाहते हो या फिर कुछ और बुलवाना चाहते हो, तो वो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो। जैसे स्पेसिफाई व्हाट अनाउंस फॉर अननोन नंबर, अननोन नंबर। तो अननोन नंबर को सिर्फ अननोन नंबर ही बुलवाना चाहते हो या कुछ और, जैसे क्लिक कर रहा हूँ स्पेसिफाई व्हाट अनाउंस फॉर अननोन नंबर नॉट चेक अनाउंस कस्टम नेम रेडियो बटन फॉर अननोन नंबर एडिट बॉक्स एंटर कस्टम नेम। जैसे आप कोई कस्टम नेम यहाँ पर टाइप कर सकते हो जो भी आप बुलवाना चाहो अननोन नंबर की जगह पे, नॉट चेक अनाउंस नंबर रेडियो बटन, और आप चाहो तो अनाउंस नंबर करवा सकते हो, जैसे अननोन नंबर बोलने की जगह सिर्फ नंबर अनाउंस कर दे बस। चेक कैंसिल, ओके सो मैं कैंसिल कर देता हूँ, मुझे नहीं करना है कुछ भी चेंज। कॉल अनाउंसर, आगे बढ़ेंगे। कॉल वेटिंग ड्यूरिंग द कॉल अनाउंस ऑफ एन इनकमिंग कॉल ऑन स्विच। जैसे आप किसी से बात कर रहे हो उस कंडीशन में यदि किसी का फोन आता है तो वो उस कंडीशन में भी आपको बोलकर बताएगा, तो ये सबसे अच्छा फीचर है। जैसे आप बात कर रहे हो और बीच में किसी का कॉल आया तो वो आपको उस कंडीशन में बोल के बता देगा कि कौन आपको कॉल कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी ये आपको बोल के बताता है। आगे बढ़ेंगे। अनाउंस नेम ओनली, अनाउंस ओनली कॉलर नेम और नंबर ऑन स्विच। यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो कि आप अनाउंस नेम कर सकते हो या अनाउंस नेम और नंबर दोनों कर सकते हो, तो यहाँ पर मेरे को सिर्फ अनाउंस नेम ही रखना है तो अनाउंस नेम ओनली ऑन है। टेक्स्ट बिफोर कॉलर हेलो डिसेबल। टेक्स्ट बिफोर कॉलर, जैसे होता है ना कि कभी कभी हमको बोलता है कि जैसे हेलो अननोन नंबर इज कॉलिंग यू, तो वो यहाँ पर ये बोल सकता है text after caller is calling you disabled. जैसे किसी ने आपको कॉल किया तो जब आपका कॉल कट हो गया, उस बंदे का कॉल कट हो जाता है, उस कंडीशन में ये बोलता है समथिंग कॉल्ड यू, ओके। तो ये आप कर सकते हो, यदि आपने ये ऑप्शन ऑन नहीं किया तभी ये आप बुलवा सकते हो। जैसे text, announce name only, announce only caller name or number, text before caller, hello, disabled.
ठीक है, तो ये डिसेबल रहेगा जब तक आप इसे ऑफ नहीं करोगे। अनाउंस नेम ओनली, अनाउंस ओनली कॉलर नेम और नंबर ऑन स्विच। ठीक है, तो ये कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होती है, बस इससे ज्यादा इसमें सेटिंग है नहीं कुछ। बैक, कॉलर नेम अनाउंसर, कॉल अनाउंसर, एसएमएस अनाउंसर, एसएमएस अनाउंसर, इस पे क्लिक करेंगे। नोटिफिकेशन एक्सेस, दिस फीचर रिक्वायर्स नोटिफिकेशन, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन की एक्सेस देनी पड़ेगी, जैसे आपका फोन लॉक है या कभी किसी भी कंडीशन में जैसे आप ड्राइविंग कर रहे होते हो। ये साइटेड लोगों के लिए बेस्ट है, बाकी अपने यूज के लिए है नहीं। तो वैसे भी टॉकबैक में ये फीचर आता है, तो इसको ज़्यादा समझाने की जरूरत है नहीं, और वैसे भी आपके यूजफुल ये नहीं है, फिर भी आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो। तो जैसे आप गो करोगे तो ये नोटिफिकेशन आपकी एक्सेस करेगा, उसके बाद में वो बोल के बता देगा कि किसने आपको मैसेज किया है। कैंसिल किया मैंने, आगे बढ़ेंगे। अनाउंस सेटिंग्स, अनाउंस सेटिंग क्लिक करेंगे। अनाउंस सेटिंग्स, अनाउंस सेटिंग्स, इनेबल अनाउंसर फॉर नॉर्मल मोड, अनाउंसर मोड नॉर्मल मोड, यानी नॉर्मल मोड जैसे आपकी रिंगटोन बजती है उस कंडीशन में भी ये आपको बोलकर बताए कि कौन कॉल कर रहा है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। इनेबल अनाउंसर फॉर चेक नॉर्मल मोड, नॉर्मल मोड में तो जैसे आपकी कॉलर ट्यून बज रही है, सॉरी रिंगटोन बज रही है, उस समय भी बोलेगा। नॉट चेक, वाइब्रेट मोड, चेक वाइब्रेट मोड पर भी बोलेगा। नॉट चेक, साइलेंट मोड, चेक और साइलेंट मोड पर भी बोलेगा। तो ये आप चेंज कर सकते हो, यदि आप चाहते हो कि साइलेंट मोड पर ही बोले तो साइलेंट मोड पर करिए, आप चाहते हो कि वाइब्रेट मोड पर ही बोले तो आप वाइब्रेट मोड कर सकते हो। आगे यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल बटन, अनाउंस सेटिंग्स, इनेबल अनाउंसर फॉर अनाउंस वॉल्यूम्स, सेट अनाउंस वॉल्यूम्स ऑफ द अनाउंसर, यहाँ से आप अनाउंसर का वॉल्यूम घटा बढ़ा सकते हो। अनाउंस स्पीड नॉर्मल डिफॉल्ट, यहाँ से आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। टीटीएस सेटिंग्स, टीटीएस की सेटिंग कर सकते हो। व्हाट इज टीटीएस बटन, व्हाट इज टीटीएस, सभी लोग जानते हैं टीटीएस क्या है। TTS engines, Google text to speech engine. TTS engine हमारा Google text to speech engine है। Speak language, English, United States. यहाँ पर speak language है, United States. Download TTS speak language. Tap to download TTS speak language. यहाँ पर आप download पर जैसे क्लिक करोगे आपको install voice data मिल जाएगा Google text to speech के। Testing text. Hello, unknown number is calling you. ये testing text है. Hello, unknown number is calling you. देख लेते हैं test करके. Test voice button. Hello, unknown number is calling you. ओके, सो ये है सारा, इसका फीचर पैक करेंगे। Back. Caller name announcer. ओके, तो ये हो गया। Flashlight alerts. Flashlight alerts. इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स, जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो कि सुन नहीं पाते, तो वो उन लोगों के लिए ये फीचर है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, कैमरा की आपसे परमिशन मांगेगा, और जैसे ही कोई कॉल करेगा तो उस कंडीशन में ये फ्लैशलाइट को फ्लैश करता रहेगा, बार बार वो फ्लैशलाइट ब्लिंक करती रहेगी जब तक वो कोई कॉल कर रहा होता है। तो वो उन लोगों के लिए ये वाला फीचर यूजफुल है। मैनेज कॉन्टैक्ट्स, मैनेज कॉन्टैक्ट्स, यहाँ पर आप पर्टिकुलर कोई भी कस्टमाइज कॉन्टैक्ट्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हो। मैं नहीं रेकमेंड करूँगा कि आप ऐड करो। यहाँ पर आप क्या करोगे, जैसे किसी का पर्टिकुलर कोई कॉन्टैक्ट ऐड किया, बस उसी का नाम बोले, बाकी नाम ना बोले, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट को ऐड कर सकते हो, है ना। आगे बढ़ेंगे। क्विक सेटिंग्स, क्विक सेटिंग, यहाँ पर क्विक सेटिंग सिर्फ लिखा है। कॉल अनाउंसर on, call announcer, switch. तो ये on है call announcer. SM, off, SMS announcer, off है, switch. मेरा. Off, flashlight alerts, switch. Flashlight भी मुझे नहीं चाहिए, इसलिए off है. बस. Caller name announcer. इतने से ही फीचर हैं, friends, इस caller name announcer में. तो मुझे जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी. वीडियो अच्छी लगी, लाइक और शेयर जरूर कीजिए, साथ साथ चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए. और फ्रेंड्स, आप डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़िए वीडियो का. थैंक यू.